चौक चौक पे आ गए हैं और जो है कि यहाँ की जनता किराए जानते हैं। आइए चलिए, देखिए जैन मंदिर का रोड आप देख सकते हैं किस तरह की बनी हुई है कि जो कोई जा नहीं पाता है घूमने के लिए। तो नेता काम पर वही चाहे और किसी को नहीं चाहते हैं। नमस्कार आप सभी को, एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। आप सबकी भौजी सोनम भौजी आ गई है आप लोगों से बात करने के लिए। चुनाव की चटपटी गपशप को लेकर मैं अभी नाथनगर आई हूँ और नाथनगर के सुभाष चंद्र बोस चौक पे उपस्थित हूँ। आइए जानते हैं यहाँ के जनता की राय क्या है, यहाँ के जो विधि व्यवस्था के बारे में। तो आइए जानते हैं जनता से उनके मन की राय। आइए जानते हैं, यहाँ से चलते हैं, जनता से उसकी राय जानते हैं। चलिए हमारे साथ एक भैया दिख रहे हैं। नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हैं आप। पढ़ना सुनाइए मैम, कैसे हैं? तो बिल्कुल अच्छे हैं। ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश रंजन हुआ जी। तो आप ये बताइए कि आपका जो क्षेत्र है, ये नाथनगर जो क्षेत्र है, तो यहाँ की विधि व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था सही नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, जैसे कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि जैन मंदिर का रोड आप देख सकते हैं किस तरह की बनी हुई है कि जो कोई जा नहीं पाता है घूमने के लिए। और बहुत सारा नूरपुर वाले बहुत सारे गांव में है जो पानी की सप्लाई भी नहीं चालू हुई है अभी तक। और जैसे देख पा रहे हैं कि आप यहाँ पे जिस तरह सुविधा होनी चाहिए इस तरह सुविधा नहीं है। सुविधा नहीं है तो ऐसे में जो चुनाव का समय आ रहा है तो इसमें आप जो है कि आपके जो जनप्रतिनिधि हैं अभी जो वर्तमान में जो मतलब अपने जो है कि पद पे हैं, तो क्या आप उनको इस बार वोट कर रहे हैं या और कुछ जो है मतलब चेंजिंग चाहते हैं? चेंजिंग तो चाहते हैं क्योंकि देखिए अगले जो हम सब सोचते हैं कि अगले वाले को वोट करें, मगर वो इस तरह का सिस्टम का काम नहीं होती है। तो हम सोच रहे हैं कि नए प्रत्याशी के चुनाव में आने की कोशिश है। जी जी, तो भैया का कहना है कि नए प्रत्याशी का चुनाव करेंगे और यहाँ बदलाव चाहते हैं। आगे चलते हैं, जानते हैं और भी दर्शकों की राय। तो और बताइए भैया सब, आप लोग क्या करते हैं? हम लोग तो ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं, तो आपके जो यहाँ पे नाथनगर की जो विधि व्यवस्था है क्या आप लोग उससे खुश हैं? नहीं, यहाँ का विधि व्यवस्था बहुत खराब है। बहुत खराब है। तो अभी जो चुनाव का समय आने वाला है, ठीक है, चुनाव का समय आ रहा है, तो अभी जो आपके यहाँ पे मतलब जो विधायक के पद पे हैं, तो जो चुनाव आने वाला है उसको क्या आप जो है कि उनको वोट कर रहे हैं या कुछ और जो है बदलाव चाहते हैं? सपोर्ट तो मोदी का हम लोग करेंगे, मोदी को, बीजेपी को, बीजेपी को ही वोट डालेंगे। या हरे या जीते उससे कोई दिक्कत नहीं है। आने वाला समय में यहाँ देखते हैं नाथनगर शहर में इतना जाम रहता है कि कोई पुलिस प्रशासन भी। इनका कहना है कि नाथनगर जो जगह है बहुत जाम लगा था। आइए जानते हैं अगले का क्या कहना है। हाँ तो भैया आप ये बताइए कि इस बार चुनाव का माहौल है तो इस माहौल में आपका मिजाज कैसा है? हम चाहते हैं कोई नया चेहरा देखने के लिए मिले हम लोग को। भैया को जो है नया चेहरा चाहिए, ये चाहते हैं कि कोई नया चेहरा देखने को मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी जानते हैं। यहाँ पे बगल एक जो है कि दिख रहे हैं, काफी लोग दिख रहे हैं। हेलो अंकल, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद तबरेज। अच्छा मोहम्मद तबरेज, तो आप ये बताइए कि चुनाव का समय आने वाला, ठीक है, आपके नाथनगर क्षेत्र में जो मतलब कि चुनाव जो होने वाला है, तो ऐसे में आप लोग जो है कि सब सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट अभी क्या बताएंगे मैडम, अभी मतलब कि जो यहाँ की नाथनगर की जो विधि व्यवस्था है, क्या आप लोग खुश हैं उससे? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये खुश है तो इनसे ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। हाँ चाचा जी, कहाँ से आ रहे हैं? अभी तो बाजार से ही आ रहे हैं। बाजार से आ रहे हैं, तो ये बताइए कि चुनावी माहौल है, सब मतलब चुनाव के लिए उत्सुक है, तो ऐसे माहौल में आपका मिजाज कैसा है? बहुत बढ़िया लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चुनाव आयोग ने जो घोषणा की है बहुत बढ़िया घोषणा की है जी, कि चुनाव प्रचार क्या नाम था वो मैदान में भी सभाएं होगी, बहुत अच्छा लगेगा। आपको मतलब क्या लगता है आपके जो प्रत्याशी हो वो कैसे हो? अभी तो NDA का ही नारा बहुत बढ़िया चल रहा है, मोदी जी की सरकार जी, जी, और अच्छा काम भी कर रही है, काफी बढ़िया लग रहा है हम लोगों को। अब गरीबों को राहत मिल रही है, सबसे बड़ी बात गरीबों को राहत मिल रही है और जो है चाचा NDA को सपोर्ट कर रहे हैं। हेलो अंकल, आप बताइए कि आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, चलिए अभी जो चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव के विषय में हमको नहीं जानकारी है। चुनाव के विषय में जानकारी नहीं है, चलिए इनको जानकारी नहीं है। आपको चाची जी? इनको भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं लोगों की राय, यहाँ के जो है कि निवासी जो है नाथनगर के, उनके मन में क्या है चुनाव को लेकर के, अपने प्रत्याशी को लेकर के। हेलो एक्सक्यूज मी दीदी, आप यहीं के रहने वाले हैं? कुंडी टोला।
अच्छा तो आप ये बताइए कि चुनाव होने वाला है, ठीक है? अरे बताते जाइए, दीदी जी इंटरेस्टेड नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एक चार दादी दिख रही है, दादी प्रणाम, केहन छी है? क्या अपने केहन छी है? हम जा रहे हैं सत्संग। अच्छा सत्संग जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि चुनाव का समय है, ठीक है? तो ऐसे में जो कि अभी जो आपका जो नेता बनने वाले हैं, तो आप कैसा नेता चाहते हैं? जैसा नेता चाहते हैं वैसा बनता नहीं है कोई पीछे। अच्छा जैसा चाहते हैं वैसा बनता नहीं, तो वोट तो चाची आप ही लोग ना देते हैं? हम नहीं देते हैं। आप नहीं देते हैं तो जो है वोट चाची वोट नहीं देती है, और इनका उम्मीद जो रहता है अपने नेता से वो नहीं पूरा हो रहा है। आगे एक चाचा दिख रहे हैं, चाचा जी कहाँ जा रहे हैं? हम घर जा रहे हैं। आप ये बताइए कि चुनाव का माहौल चल रहा है, आपके नाथनगर क्षेत्र की जो विधि व्यवस्था है, क्या आप उससे जो है पूरी तरह संतुष्ट है? नहीं, विधि व्यवस्था तो अभी शुरू होगा, अब शुरू होगा, चुनाव का समय है, तो आप कैसा तो है मतलब जो चुनाव अभी होने वाला है, विधानसभा चुनाव शुरू होने वाला है, तो उसमें जो है कि आप अपने जो है कि कैसा नेता चाहते हैं, आपको क्या लगता है नेता की छवि कैसी होनी चाहिए? बढ़िया नेता होना चाहिए। बढ़िया नेता होना चाहिए, चलिए इनके लिए बढ़िया नेता होना चाहिए। चुनाव का जैसे माहौल है, तो ऐसे माहौल में नहीं उठता है कूड़ा, इतना गंदगी रहता है, हम लोग बहुत ही विकट स्थिति में जी रहे हैं। अच्छा तो चुनाव का जो समय चल रहा है, चुनाव का माहौल है, हाँ। तो आपके जो जनप्रतिनिधि अभी जो मतलब कि होने वाला चुनाव, उसमें आप कैसे जनप्रतिनिधि चाहते हैं अपने? ये तो जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो कि एक्टिव हो, वेल विशर हो, पब्लिक का काम करे, डोर टू डोर जितने भी हमारे डेली नीड डेली क्राइटेरिया जो भी हमारा प्रॉब्लम्स है डे टू डे उसको सॉर्ट आउट करे, और क्या चाहते हैं जी? तो वो भी प्रतिनिधि जो भी आए जिस पार्टी का भी आए वो कार्यकर्ता अच्छा होना चाहिए। चाचा का कहना है कि जो भी पार्टी के जो है कि आए वो कार्यकर्ता अच्छा हो। आगे चलते हैं, आगे आंटी दिख रही है, हेलो आंटी। आंटी रुकी नहीं, आंटी जो जल्दीबाजी में लग रही है, चलिए आगे चलते हैं। चुनाव का माहौल चल रहा है, ऐसे में मतलब आप लोग का मतलब मिजाज कैसा है? अभी क्या बताएं, जिस टाइम जैसा किस तरह बह रहे हैं ये चुनावी हवा में, आप किस तरह बह रहे हैं? कहाँ इस तरह का कोई हवा तो नहीं बहा, कोई हवा नहीं, आप किस तरह बह रहे हैं? हम तो बहेंगे यहाँ जिसका भी चल रहा है। जिसका चल रहा है, आपको क्या लगता है कि जो है कि कैसा नेता आना चाहिए? ठीक है, ठीक तो चला रहा भी है। ठीक है, आप बताइए चाचा जी की जो है चुनाव के समय में, चुनावी मौसम है, तो इस मौसम में है जो आपका मतलब क्या कहता है मियाज? क्या कहता, आप लोग विकास कीजिएगा तभी ना देंगे वोट। हम थोड़े विकास करेंगे, हम थोड़े विकास करेंगे चाचा जी, नेता करेंगे। सुनेगा ना नेता, सब बराबर नेता, तो सुनाइए। सुनने करना नहीं है, खाली मार पैसा मार लेना है, और आ रहे हैं सब कोई करने, कुछ नहीं होगा, काम करिए। काम जो नेता काम करेगा वही चाहेगा, और किसी को नहीं चाहते हैं। नेता काम करेगा वही चाहेंगे, चलिए आगे चलते हैं। तब भैया आप बताइए कि आपको कैसा नेता चाहिए? हेलो भैया, जो इसका विकास करे यहाँ का, जो विकास करे, सबका कहना है कि जो विकास करे वैसा ही नेता होना चाहिए। एक जो है युवा मतलब वर्ग के दिख रहे हैं, आइए इनसे जानते हैं। तब पढ़ के आ रहे हो क्या? यस मैम। अच्छा पढ़ के आ रहे हो, तो ये बताओ कि जो है कि चुनाव के बारे में, चुनावी मौसम है और अभी जो चुनाव होने वाला है विधानसभा के, तो नेता कैसा होना चाहिए? नेता ऐसा होना चाहिए जो हम लोग के भला के बारे में सोचे, या हमारे बुरा के बारे में, और हमारे स्कूल अभी तक बंद है, और अभी स्कूल जा रहे हैं तो उसमें ही पढ़ाई नहीं हो रहा है, अभी पढ़ाई नहीं हो। हम देख सकते हैं अभी आ गए हैं नाथनगर के स्टेशन रोड पे, और यहाँ से जानते हैं लोगों की क्या राय है, आइए हमारे साथ। नमस्ते चाचा जी, कैसे हैं? ठीक है। तो आप ये बताइए कि जो अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, तो इसमें आप कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं? अभी हमको कुछ समझे में नहीं आ रहा है, क्या बताएं? चाचा जी को कुछ समझे में नहीं आ रहा है, चलिए आइए आप लोग बताइए। चाचा जी चुनाव का माहौल चल रहा है, चारों तरफ जो है चुनाव का जो है कि गहमा गहमी हो रहा है, तो ऐसे में आप लोग कैसा नेता चाहते हैं? सबसे बढ़िया तेजस्वी सरकार आएगा। सबसे
बढ़िया तेजस्वी सरकार आएगा। कुमार का कहानी खत्म हो गया है, झंड हो गया है, वो भिखारी बना दिया देश को, कहता है 15-15 लाख आएगा, कहा 1 रुपया का ठिकाना नहीं है, 5 किलो अनाज और 5 किलो चावल छाट तक देंगे, आदमी को ठग रहा है, पब्लिक को बुड़बक बना बना के, ये जनता को बुड़बक बना रहा नीतीश कुमार। चलिए आगे चलते हैं, इधर पूछते तब चाचा जी आप बताइए कि चुनाव का समय है तो आप जो है कि कैसा नेता चुन रहे हैं? हमको तो चुनना है लालटेन को, इनको लालटेन को चुनना है, चलिए फेंक देना है, किसको फेंक देना है? नीतीश को, ऐसा नहीं कीजिएगा। चलिए आगे पूछते हैं, और बताइए चाचा जी आप लोग कैसे हैं? कैसे हैं? ठीक है, यही एकदम सुरक्षित। मास्क नहीं लगाए हैं क्या? मास्क नहीं लगाए। चलिए ये बताइए कि चुनाव का समय चल रहा है, चारों तरफ चुनाव का गहमा गहमी, ऐसे में आप जो है आप कैसा नेता जो है आपने उम्मीद करते हैं? जो 10 जिसको चुनेगा उसी को हम भी चुनेंगे। जो 10 चुनेगा, आपका अपना राय क्या? ना राय क्या, जो बढ़िया सरकार होगा उसी को देंगे। तो मतलब कि नाथनगर के व्यवस्था से आप खुश हैं? व्यवस्था से खुश हैं अपना। चलिए ये व्यवस्था से खुश हैं, आगे चलते हैं। भैया साइकिल हटा लीजिए थोड़ा। चलिए आइए आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ लेडीज लोग दिख रही है, दीदी लोग बड़ी सुंदर सब है। चाची नमस्ते, कैसे हैं? ठीक है, किसी तरह से चल रहे हैं सब, किसी तरह हम लोग भी किसी तरह से चल रहे हैं, क्या बताएं? ये बताइए, हमारी से तो और परेशान हो गए हैं, कोरोना तो पूरा देश परेशान है, पूरा दुनिया परेशान है। अच्छा ये बताइए कि चुनाव का समय है, चारों तरफ चुनाव का गहमा गहमी चल रहा है, तो आप कैसा नेता उम्मीद करते हैं? हम तो मोदी जी जैसा ही नेता उम्मीद करते हैं। मोदी जी जैसा नेता उम्मीद करते हैं। नाथनगर के व्यवस्था से सारी जो भी व्यवस्था है यहाँ पे उससे आप खुश हैं? हम तो नाथनगर के हैं नहीं, नाथनगर के बाहर से हैं। नाथनगर से बाहर से, कोई बात नहीं, आइए चलते हैं आगे जो है और पूछते हैं सवाल। इधर आप चलते हैं, इधर कुछ जो है कि बड़े बुजुर्ग लग रहे हैं, इनसे जानते हैं। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं? ठीक है, एकदम सुरक्षित हैं। चलिए ये बताइए कि कोरोना का समय चल रहा है, चारों तरफ जो है कि चुनाव का जो समय चल रहा है, चारों तरफ चुनाव की जो है गहमा गहमी है, तो आप कैसा नेता उम्मीद करते हैं? अब देखिए, अभी ये कैसे बता देंगे, मत मेरा है, अब किसको दान करेंगे, किसका हवा चल रहा है? नहीं नहीं, ये किसको नहीं दान किसको कर रहे हैं वो नहीं पूछ रहे हैं, मतलब नेता कैसा हो? देखिए नेता, नेता क्या, बढ़िया अच्छे नेता हो और क्या जी, बढ़िया नेता हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर आइए, इधर पूछते हैं, कैसे हैं चाचा जी? बढ़िया बढ़िया है ना, सब जो है कि ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव का समय आ रहा है, नेता लोग लंगोट कस के मैदान में उतर गए हैं। अच्छा, तो ऐसे में आप किसको जो है चुन रहे हैं अपने लिए? अपने लिए हम जैसे बढ़िया बढ़िया सरकार आवे करे, बढ़िया 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 से बढ़िया सरकार। आप बताइए आप कैसा जो है कि उम्मीद कर रहे हैं, नेता कैसा होना चाहिए? ये सरकार जो है ना, इसको इलेक्शन नहीं कराना चाहिए, ये सरकार ऐसे रहना चाहिए, कहे इलेक्शन जीत के भी जाता है तो खरीद लेता है, तो सरकार क्या मतलब हुआ हमको दूसरे को वोट देने से? बोले ये बताइए, दूसरे को वोट देते हैं, अगर अदर को वोट देते हैं, अगर मोदी खरीद लेता है तो क्या फायदा है हमको देने से? जो सरकार है यही सरकार रहने दीजिए। आप कैसे बोल सकते हैं कि खरीद लेता है? खरीद लेता देखते हैं, नहीं खरीदता है, कैसे बोल रहे हैं? बहुत एकदम देखते हैं, खरीदता है, एकदम पलटी खा जाता है, वोट वोट देते हैं किसी को, चला जाता है किसी को, वोट जीत के भी जाता है तो खरीद लेता है, क्या फायदा वोट देने से किसी को? तो मोदी सरकार सही है, मोदी सरकार सही है भाई। चाचा जी बहुत दुखी लग रहे हैं, आइए इनसे पूछते हैं, आप बताइए चाचा जी आपका क्या राय है? हमारा राय क्या रहेगा, तेजस्वी सरकार रहेगा, तेजस्वी सरकार रहेगी, इसलिए जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है आज देख लीजिए, सेना मरता है, उसका कोई भी जांच नहीं होता कि 300 किलो RDS कहाँ से आया, मारती कहाँ से आया, एक तो सुशांत सिंह ऐसा आदमी जो मरता है उसके लिए बिहार से लेके बम्बई तक जाँच होता है, ऐसा सरकार किस काम का, जो सेना मरता है उसका जाँच नहीं होता है, सुशांत कुमार मरता है उसका जाँच होता है, इसलिए ऐसा बीजेपी सरकार मुझे नहीं चाहिए, ऐसा सरकार तो
कैसा नेता चाहते? भाई बिहार में तेजस्वी यादव चाहिए, बिहार में इनको तेजस्वी यादव चाहिए। चलिए आगे जो सवाल करते हैं, आगे पूछते हैं। तो भैया जी आप बताइए, आप क्यों भाग रहे हैं, आप बताइए कैसे हैं? हम अपने ठीक हैं। और बताइए चुनाव का समय है, कैसा नेता चाहते हैं? बस तेजस्वी यादव जो बताया वही चाहते हैं। जैसा सबने बताया तेजस्वी यादव वैसा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं जो है कि दादाजी की राय, ये चाचा जी जो है इनसे पूछते हैं। आइए प्रणाम चाचा जी, कैसे हैं? सभी ठीक है। कोरोना में सुरक्षित हैं? सुरक्षित हैं। अच्छा तो ये बताइए कि चुनाव का समय है, चारों तरफ सिर्फ जो है चुनाव को लेकर शोर हो रहा है, तो आप जो है ऐसे में कैसा नेता उम्मीद करते हैं? देखिए ये नेता का है चुनाव, आज सभी तो अपने अपने रहते हैं और उसको डिस्टेंसिंग बना करके चुनाव लेना है, बिना डिस्टेंसिंग का तो ठीक होगा नहीं, इसलिए चुनाव हो डिस्टेंसिंग दूर करने के लिए होना चाहिए। डिस्टेंस मतलब कि कैसा नेता चाहिए? जो देश में सुख शांति पैदा करे उसी को देना चाहिए, में सुख शांति पैदा करें उनको ही वोट देना चाहिए, इनका कहना है। इन बातों को जो है यहीं पे छोड़ते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। देखते रहिए चुनाव के रंग सोनम भाव जी के संग, फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पे नए लोगों के साथ, उनके नए विचार के साथ, और जानते हैं उनकी राय। तो तब तक के लिए नमस्कार।